हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वचन। क्या पढ़ा था? वचन। आज हम पढ़ेंगे पुरुष। क्या पढ़ेंगे? पुरुष, पर्सन। ठीक है, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं संस्कृत में? तीन। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हाँ, इंग्लिश में हम इन्हें बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसके विषय में कहा जाए या जिसके विषय में हम कुछ बातचीत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। ठीक है, इसमें भी एकवचन, द्विवचन, बहुवचन और लिंग होता है। एकवचन में स एने वह, द्विवचन तौ एने वे दोनों, ते एने वे सब। ठीक है, स एने वह, ते एने वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए और ता एने वे सब स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, अब ये तो वह सर्वनाम शब्द के रूप में आ गया। अगर हम इसको बोलेंगे बालक एकवचन, बालको द्विवचन, बालकाः बहुवचन पुल्लिंग में, बालिका बालिके बालिका, मतलब बालक एक वचन इन्हें एक बालक के लिए, बालको द्विवचन इन्हें दो बालक के लिए और बालका इन्हें बहुत सारे बालकों के लिए। बहुवचन में बालका लिखा इन्हें बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे बालक के लिए बात हो रही है। बालिकाः एक वचन, बालिके द्विवचन और बालिकाः बहुवचन, मतलब यहाँ बालिका इन्हें यहाँ लड़कियों की बात हो रही है, एक लड़की, दो लड़की और बहुत सारी लड़कियों के बारे में, स्त्रीलिंग। ठीक है, इसी प्रकार राम एक वचन, एक राम, एक राम व्यक्ति के लिए बात हो रही है, रामो इन्हें राम नाम के दो व्यक्तियों के लिए बात हो रही है, रामा इन्हें यहाँ राम नाम के बहुत सारे व्यक्तियों के लिए बात हो रही है। और कौन सा लिंग है इसमें? पुल्लिंग। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। ठीक है, अब हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे। रमा, रमा नाम की एक एक महिला के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक लड़की के लिए बात हो रही है, रमे ने यहाँ दो के लिए बात हो रही है और रमा ने यहाँ बहुत सारी के लिए बात हो रही है। ये क्या है? स्त्रीलिंग। अब हम इसमें नपुंसक लिंग भी पढ़ेंगे। फलम यानी एक फल, फले यानी दो फल और फलानी यानी बहुत सारे फल। ठीक है बच्चों, आप केवल आज प्रथम पुरुष ही पढ़िए और इसे, इस वीडियो को आप एक दो बार देखिए और समझिए। आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।